हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरहदी वार्ड में शहर के सदर थाना क्षेत्र के रिको इंडस्ट्रीज एरिया में एक तेल की फैक्ट्री में अचानक ही मंगलवार सुबह आग लग गई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां व सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया। आग की सूचना के बाद मौके पर तमाशबिनों की भी भारी भीड़ जमा हो गई। सदर थाना अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि रिको इंडस्ट्रीज एरिया में पुखराज राठी की हेयर ऑयल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई है, जिसके बाद फायर ब्रिगेड व सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पानी के टैंकरों की सहायता से फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। आगजनी में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लाखों रुपए का हेयर ऑयल जल गया। वहीं आग पर काबू पाने के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। जागरूक टीवी के संबंध से बात करते हुए अनिल कुमार, थाना अधिकारी सदर पाठ में। आग लगी है, किस तरफ सुबह 9 बजे करीब फोन आया था थाने पर कि भाई रिको क्षेत्र में कोई पुखराज राठी की हेयर ऑयल में मिल में आग लगी है। उस पर हम सब पहुँचे, 4-5 फायर ब्रिगेड आई है, कुछ ट्रैक्टर्स की टंकियाँ वगैरह से स्थानीय लोगों से अगरा राम जी वगैरह स्थानीय लोगों ने काफ़ी मेहनत करके आग पर लगभग काबू पा लिया है। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठकरा मेघवाल की रिपोर्ट।